पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की बहुत सारी कोशिशों और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ और हम अब एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लामा इकबाल, जो कि शायर मशरिक के नाम से मशहूर हैं, उनकी भी पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत मेहनत है। अब बात आ जाती है हमारे पाकिस्तानी परचम की, जो कि सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग निशानदेही करता है मुसलमानों की और सफ़ेद रंग निशानदेही करता है अकलियतों की। ऐ वतन, तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मट्टी, उस मौसम में फूल खिला करते हैं। ऐ निगहबाने वतन, तेरा निगहबान हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। बहरहाल कायदे आज़म ने फरमाया, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ खुदा के वतन, ऐ जिन्ना के वतन, मांगी मिलके जो थी उस दुआ के वतन, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला। ऐ वतन, पूरी हुई और हमें।
कश्मीर के लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं। पाकिस्तानियों कदर करो, हम तो कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। मिलजुल के रहें, आज से वादा करें, अहद करें कि हम लोग सब पूरी कौम मिलके रहेंगे, अमन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, इत्तफाक से रहेंगे, तभी तो हमारा पाकिस्तान का ये परचम कहलाएगा कि ये अमन का परचम है, ये खुशनुदी का परचम है। कदर करें और जश्ने आज़ादी मुबारक, जश्ने आज़ादी मुबारक, जश्ने आज़ादी मुबारक।